अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाई थी, सही है। अब हम क्या करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर गो का बटन ऐड सब को कन्वर्ट करेंगे गो में, और ये बटन हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट जो कि सेकेंडरी हमारी फाइल होगी उसके अंदर। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, सही है जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे मेन्यू की, सही है जी। मेन्यू की एक्टिविटी के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मेन्यू के लिए मैं सबसे पहले तो मेन एक्टिविटी में हम जो है ना क्लोज कर देता हूँ सारे, ये हमारी हो गई एड्स अप की एक्टिविटी, ये यहीं पर रहने देंगे। और यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है मुझे गो के अंदर, और ये जो जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मुझे काम आए। कॉपी, क्योंकि ये तो मेन एक्टिविटी में से जा रहा था, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही एक और बटन ऐड कर देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे एक और बटन ऐड कर रहा हूँ। बटन ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली द बेस्ट बटन को लूँगा, ओके वाला बटन क्लिक करूँगा। जस्ट अ सेकेंड, सही जी। अब मैं यहाँ पर इसको ला कर रख दूंगा बिल्कुल फुटर में, तो ये बटन तो यहाँ पर आ गया सेंटर पर। अब इसके ऊपर डबल क्लिक कर इसके अंदर हम आईडी लगाएंगे गो, और यहाँ पर भी आईडी रख देंगे गो, और टेक्स्ट भी रख देंगे गो, ठीक है जी। ये हो गया, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके आएंगे, सही है, ये तो हो गया ऊपर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन्यू का एक बनाएंगे, क्या मेन्यू का एक क्लास बनाएंगे, न्यू जावा क्लास मेन्यू, सही जी, ओके। मेन्यू बन गई हमारी, और यहाँ पर मेन्यू के लिए हम एक फाइल जनरेट करेंगे, लेआउट मेन्यू के लिए एक लेआउट जनरेट करेंगे, और वो लेआउट हमारा होगा रिलेटिव, ठीक है जी। नाम रखेंगे मेन्यू, ओके कर देंगे जी, सही है। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, वही ग्रीन H008000। और यहाँ पर तीन बटन ऐड करूँगा मैं, एक बटन ऐड करूँगा इसके ऊपर डबल क्लिक कर होम का, और आईडी भी रख दूंगा होम, फिर से डबल क्लिक कर होम, सही है जी। और फिर से एक और बटन ले लूंगा, ऐड कर दूंगा, बटन की विड्थ को बढ़ा दूंगा, और इसके ऊपर डबल क्लिक कर यहाँ पर लिखूंगा अबाउट, और आईडी भी रख लूँगा अबाउट, ठीक है जी। फिर यहाँ आकर एक और बटन जनरेट करूँगा जिसको रखूँगा मैं बॉटम में, सॉरी कंट्रोल जी, और इसको बॉटम में रखकर यहाँ पर ऐड करूँगा क्या कॉन्टैक्ट, और फाइल का जो है ना कॉन्टैक्ट, सही है जी। ये बटन हो गए तीन हमारे, थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ ऊपर करने की जी, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, सही है जी। ये तीन बटन हो गए, एक बटन हो गया होम अबाउट एंड कॉन्टेक्ट, ओके जी। अब इन तीन बटन्स के अंदर मैं क्या करूँगा, अब इन तीन बटन्स के अंदर मैं इन तीन बटन्स की तीन फाइल बनेंगी, एक बनेगी होम की, एक बने होम के जो हम लिंक जनरेट कर देंगे अपने computerpakistan.com की, और यहाँ पर हम लिंक जनरेट करते हैं अबाउट के लिए एक फाइल बनाते हैं, एक फाइल बनाते हैं कॉन्टेक्ट के लिए, सही जी। इनका थोड़ा सा मैं टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ होम का,
थर्टी थर्टी डीपी करते हैं, ये हो गया टेक्स्ट और टेक्स्ट की साइज। टेक्स्ट साइज करते हैं हम 30 डीपी, और यहाँ पर आकर इसकी भी 30 डीपी करेंगे और इसकी भी 30 डीपी करेंगे। सही है जी, ये तो इनकी साइज़ हो गई। और ये हो गया होम अबाउट कॉन्टेक्ट। अब इसको लिंक कराते हैं किससे, इसको लिंक कराते हैं मेन पेज से, गो से डायरेक्ट लिंक होगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो देखें अब हम ये कैसे करते हैं। यहाँ पर मेन्यू के अंदर आएंगे, हम डबल क्लिक करेंगे और मेन्यू के अंदर लिखेंगे एक्सटेंड एक्टिविटी, और फिर यहाँ पर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ऑन क्रिएट का एक मेथड ओवरराइड कर यहाँ पर रखेंगे। फिर इसके अंदर हम यहाँ पर ऑन सेट क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑन सेट एक फाइल जनरेट करेंगे, जैसा कि मैं एड सब पढ़ाता हूँ। एड सब के अंदर जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट कंटेंट व्यू जनरेट करेंगे, मेन्यू के अंदर सेट कंटेंट व्यू आ गया हमारे पास, और लेआउट को ऐड करेंगे नीचे आकर इंटर डॉट लेआउट। कौन सा ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, मेन्यू का, कौन सा जी, मेन्यू का। ये देखें मेन्यू का लेआउट आ गया। अब इसको सिंपली द बेस्ट क्या करेंगे, हम मैनिफेस्ट पर आ जाएंगे, मैनिफेस्ट पर आकर एक्टिविटी को कॉपी कर इंटर कर फिर यहाँ पर हम देंगे मेन्यू, एंटर कर दूंगा, सेव। अब इसको हम ग्रेडल में चलाएंगे यहाँ पर, ग्रेडल हमारा चल रहा है, बिल्ड कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा जी। सही है, ये यहाँ पर अगर कोई एरर आएगा तो हमें बताएगा कि कौन सा एरर है। अब मैं इसको करता हूँ ओके, जो हमारी अभी इसको रिफ्रेश करेगा। इसको चलाते हैं फिर से, नहीं अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ, रिफ्रेश करने के हम रन के ऊपर आएंगे, रन के ऊपर, रन ऐप, ग्रेडल बिल्ड इज रनिंग। ओके ओके, थोड़ा सा लोड करता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। रन के ऊपर आएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पर ये हमारी प्रीवियस एप्लीकेशन है, अब जो हमने चेंजिंग की है इसकी एप्लीकेशन के अंदर, क्लोज करते हैं इसको। क्लोज, ठीक है जी। अब इस जो हमने एप्लीकेशन के अंदर जो चेंजिंग की है वो हम
ऐड करते हैं जी प्ले के ऊपर। फिर से हम इसको रन करते हैं, जो हमारी करंट एक्टिविटी फाइल है मेन एक्टिविटी, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक कर देंगे। ओके जी, ये यहाँ पर आ गई। अब हम गो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो गो बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन गो के अंदर हमें कुछ और फीचर्स भी ऐड करने हैं, जैसा कि अभी ये देखें क्लिक यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो हमारे पास मेन्यू, तो गो के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो मेन्यू आ जाए, लेकिन मेन एक्टिविटी में से हम इसको कमांड देंगे। क्लास को हम एग्जीक्यूट बटन एड सब पर, और वहां पर मैंने गो लिखा था, तो यहां पर हम ये सारा कोड यहां से ले लेते हैं, कॉपी, ठीक है जी, और इसके नीचे बिल्कुल ऐड कर देंगे यहां पर। और ये तो हो गया। अब हम मेन्यू डॉट क्लास यहाँ पर ऐड कर देंगे जावा के अंदर, मेन एक्टिविटी के अंदर। कौन सी क्लास को ऐड करेंगे? मेन्यू को। मेन्यू तो ऐड हो गया हमारा, और यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे गो का। गो और आईडी भी यहाँ पर देंगे गो की, सही है जी। और यहाँ पर ये आ जाएगा गो। आईडी हमने शायद गो ये रखी थी जी, आईडी हमने रखी थी गो, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करके इसको एडिट में जाएंगे, एडिट में जाकर आप मेन एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कराओगे। यहाँ पर देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, मेन एक्टिविटी को आप एग्जीक्यूट कराओगे, ओके करोगे एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है मेन्यू का, तो ये कह रहा है कि मेन्यू क्लास की स्पेल आपने सही नहीं लिखी, तो मेन्यू पर मैं ये ऐड कर दूँगा, सही है, ठीक है जी। अब यहाँ से एरर गया, क्योंकि इसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, अगर कोई भी एरर आ जाएगा तो रेड लाइन आ जाएगी, सही है। अब मैं इसको फिर से एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाकर मेन एक्टिविटी के ऊपर ओके कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारी फाइल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर आ जाएगी। अभी देखें यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा, इस फाइल को करेंगे क्लोज। क्लोज और हमारे पास एरर इक्वल सक्सेस। फिर से चलाएंगे जी, क्योंकि वहां पर फाइल मेन एक्टिविटी को एड सब के अंदर मेन एक्टिविटी को हम चलाएंगे, बाय डिफॉल्ट यही आप रहने देंगे।